बेचारा डूब के मर जाओ, वो भी क्या मजा आना है? अरे उसमें तो अनपढ़ बताओ है। अरे हम काशी जी में शिक्षा ग्रहण करके आए, गुरु के आश्रम में रहे, वेद शास्त्रों की शिक्षा ली, गुरु की सेवा की। अरे ये बता कमान खान का धंधा टोरिया, चार छोरिया ने घाघरी पर आओ, चुंदड़ी उड़ाओ, खड़े कट करता रहे सटेज बसाने के। अरे बताते हैं, पीछे मेरे पास इस भजन को सुन के एक फोन भी आया था। ये वाकया करनाल जिले में कोल गांव है, वहां से फोन आया था, भाई हमारे गांव में ये वाकया हुआ था। और वो जो ब्राह्मण थे, माधवाचार्य जी उनका नाम था। और बताते हैं सांग करके जहां बेड़ा डटा था, उस जड़ में एक घेर प्लाट खाली पड़ा था, एक तारा लिया के वो माधवाचार्य जी एक तारा बजाओ थारे ब्राह्मण के बेटे, इन बात का मन तुम अर्थ बता के जाइए। अगले रोज फिर नहीं हो सांग करके एक तारा बाजा रे ब्राह्मण के बेटे, इन बात का तुम अर्थ बता के जाइए। वे साधन दे कुछ अभ्यास करें दादा ना, हाथ रहा निवला थम ही हो रहे, यो सुना है तुमने के कहे? निवले दादा को सत्संगी इसका रोज एक तारा बाजे। निवले निरा सत्संगी ना है, यो सुनता नहीं साड़िया ही डाल सीठने देने लग रहा तम न कहे से। अगले रोज माँ भगवती का सुमन करके और वो कमेटी बुलाई, निवले भाई सांग जब होगा जब उस आचार्य जी ने बुला के लिया। कमेटी गई, निवले पंडित जी चाल दादा ने बुलाया, निवला मैं जगह दर्शन करके राजी नहीं। गाम न गवाण न कमेटी ने दाब दी और उसने ले आए। आते बताते मंच के मंच पर खड़ा होगा दादा ने हाथ जोड़कर राम राम करी, पंडित जी महाराज राम राम। निवला फूक दे त्री राम राम ने, क्यों पागल बना रहा देश ने क्या था? निवला कदे जाने भी है कि मैं कदे गुरु के आश्रम में, स्कूल में, पाठशाला में, मदरसे में, कदे विद्यालय में जाकर देखा था? निवला पंडित जी महाराज है तो वारने भी नहीं गया। लक्ष्मी चंद नहीं पढ़ रहा सब गुरु की दात है, दिल पढ़ रहा है, पर दो दिन हो गए कट कटता रहा, एक तारा बजा के गागरा तू ही पूछ ले। निवला तकत तत उतरे पाछा कुछ नहीं सही, पूछ ले कम में। निवला रहा वेद शास्त्रों की पुराणों की बातें हैं, तने के बेरान पढ़ आदमी इन बातों का है? निवला हो सके मैं बता दू, एक भी बता दे आज ही जो तेरी शरत हो मेरे को मंजूर है। निवला एक है इतना गांव में सांग और मेरा सांग देखना, ये किसा के मेरी बुराई मत करिए। बताते हैं क्या, तो वो बाद में कविता के माध्यम से काव्यबद्ध किए गए वो सवाल जवाब, क्या वो सवाल थे और क्या दादा ने खड़े पांच जवाब दिए, क्या लिखा क्या दर्शा? काम ब्रह्म से हुई ब्रह्म की हत्या, और काया का भय
पांच मारे पच्चीस ठाले नौ दरवाजे खाली रहते एक छोड़े एक खाले पांच भार सिर के ऊपर दो या नेट कितने चाले पांच भार सिर के ऊपर दो या नेट कितने चाले बोलो पांच तत्व के पांच साचे दस में सुरम है जाइए रे ब्राह्मण के बेटे माता का हरण सब ताले कौन है ब्राह्मण? यहां सवाल है कौन है ब्राह्मण? जिसका ठप्पा लाग जाए ब्राह्मण की देड़ के भीतर पैदा हो जाए वो है ब्राह्मण? ऐसा नहीं है। दादा ने परिभाषा दी है ब्राह्मण की, जिसमें ये नौ गुण हो वो ब्राह्मण है। वो तो पैदा तो हो जा ब्राह्मण गए, सड़क उठते एक अद्धा मारे अंडिया की रेडी बजा हरनु का चार अंडिया की आमलेट बना देर प्याज ना गेरिए मैं पंडित जी हूं आमलेट तो बना दे जरूर प्याज नहीं मैं पंडित जी हूं वो नहीं दे दादा मांगे राम ने भी दे रखा है। ब्राह्मण की परिभाषा सुदामा मन तना बेरा हो तो बता ब्राह्मण की हो सक्रम ब्राह्मण का झूठ बोलना मांग का खाना कोन्या धर्म ब्राह्मण का शुद्ध भोजन बिन बुद्धि बिगड़े कितरे ब्रह्म ब्राह्मण का उड़े कृष्ण दौरा रुकमण पाओ न्यू खेंड जा ब्रह्म ब्राह्मण का आड़े परिभाषा दादा लक्ष्मीचंद ने दी। कौन है ब्राह्मण? किसी आदमी के हाथ से कत्ल होता है मर्डर होता है अदालत में हाजिरी होती गवाह पा जा गवाही मिल जा तो सजा हो और ना तो प्रशासन भी बैठा है बाइज्जत बरी आवे। पर जिस दिन परमात्मा की कोर्ट में हाजिरी होती है वहां गवाही नहीं चलती वहां सजा मुकर्रर है। और दादा ने कहा परमात्मा की कोर्ट से भी कातिल बचकर आ सकता है पर उसका पश्चाताप करना पड़े उसका उपाय करना पड़े के करना पड़े माया ईश्वर ब्रह्म शक्ति ब्रह्म लोक जिनका धाम ब्रह्म पुत्र तब बहुत हो गए नौ गुण ब्राह्मणों के नाम आत्मा से ओम रटे या हत्या उतरे गीत माम पांच तत्व पांच भूत पांच कर्म करें धरती पाल नौ दरवाजे आख्या देखे इन सारा की एक चाल राम क्रोध मद लोभ मोह आशा तृष्णा के नकार अरे निंदा ईर्ष्या पांच प्राण तू दस में द्वार ले जाइए रे का तो जन्म बता दे बुद्ध का तो जन्म बता दे बुद्ध का तो जन्म बता दे बृहस्पति का गुरु द्वारा चंदा का परमाण खोल लख दिए सब न्यारा न्यारा एक प्रसन्न योगी खोल
ब्रह्मा का चर किसन तारा ओ तीन जन्म का श्राप लग्या किसने दिया था दंड कितने हैं ये जल थल और कितने हैं ये ब्रह्मंड सात द्वीप चौदह भुवन नौ तह गणा दे खंड सात द्वीप चौदह भुवन याद करने ने दुनिया अलग बसाई रे ब्राह्मण के बस श्रीमान जी बगात में पानी की बूंद नहीं रह रही। अरे भाई माफी सा होंगे तो इतना होगा नहीं भी आखिरी भजन इसमें अपना भाई अपना बालक समझो भाई है हाँ भाई ही सुना देगा एक भजन मतलब ये तो इतनी आशीन थी जितनी पुगी 200 रुपये से मान सम्मान करते हैं बार बार धन्यवाद। बुद्ध के जन्म के बारे में तारा के गर्भ से बुद्ध का जन्म हुआ था तारा बृहस्पति के घराड़ी पर बुद्ध बृहस्पति का नहीं था नाजायज संतान थी। बुद्ध का जन्म कैसे हुआ था वो खोल लिया था चले गया। अरे तारा ने जन्म्या था बुद्धि जो बृहस्पति की नारी थी चंदा पढ़ने जाया करता गुरु पत्नी से यारी थी ब्रह्म शंकर ने ब्रह्मा की गर्दन तीन बार उतारी थी और शंकर ने ब्रह्मा की गर्दन तीन बार उतारी थी। वो कलर चूड़ विदुर बना धर्म पुत्र धर जन्म तीन पांडव ने शराप दिया तू पढ़ के देख हुए यकीन 40 करोड़ चल ब्रह्मंड सात दी लोक तीन अरे 14 भुवन नो खंड सुनन में टेम बहुत सा चाहिए परसन का उतरे सतयुग का बयान करे सतयुग का बयान करे और कितने वर्ष बीते रहने सूरज और चंद्रमा के कैसे ये होते हैं ग्रहण एक प्रश्न यो भी खोल कितने हो गए चकवे बहन कितने हैं गे ये धर्मी कर्मी कितने हैं ये नारी नर कैसे बनते पक्षी सारे कैसे बनते अस्थावर कैसे बनते पशु सारे कैसे बनते नभचर जन्म मरण में नहीं आवते उनके नाम गणाइए रे ब्राह्मण के बेटे का बयान कर कितने वर्ष बीते रहे सूरज और चंद्रमा के कैसे ये होते हैं ग्रहण
एक प्रश्न यो भी खोल बता कितने हो गए चकवे बहन। यहां सतयुग की उम्र को पूछा है, 43,20,000 साल की एक सतयुगी होती जिसमें चार युग सतयुग त्रेता युग द्वापर युग और कलयुग चारों का जोड़ 43,20,000 वर्ष होता है। अलग अलग वर्गीकरण है, 17,28,000 साल ये सतयुग की उम्र है, 12,96,000 साल का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष ये द्वापर की उम्र जो फिलहाल चालू कलयुग, 4,32,000 साल का कलयुग है और लोग घोर कलयुग आ गया। 5,500 साल भी बीतते नहीं है, 5,200-5,500 कुछ साल हुए घोर कलयुग होगा, इतना दबर नहीं क्या क्या होगा, 5,500 साल भी नहीं न्यूका न्यू फड़िया सारा सारे के महा खबर नहीं कह बालोगे कह बजालोगे इतना तो बहुत आवागमन बन लेगा। भागवत कहती है जो भागवत पढ़ते हैं सुनते हैं उनको ज्ञान है, मुसलमानों का राज भी अंग्रेजों का राज भी और जो फिलहाल राज भागवत कहती है 300 साल की अवधि है, बिना मुकुट का राजा होगा जो देश पर शासन करेगा। और भागवत कहती है जब इस कलयुग के मात्र 10,000 साल शेष बच जाएंगे बाकी पृथ्वी पर इतना पाप बढ़ जाएगा देवता पृथ्वी का त्याग कर देंगे वापस देवलोक चले जाएंगे पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। जब मात्र 5,000 साल शेष बचेंगे गंगा का नीर सूख जाएगा गंगा वापस देवलोक चली जाएगी धरती पर नहीं रहेगी। दगे शान जो वचन सुना था वो यहां से वो कड़ी जुड़ती है, जब देवता न्यू कहे गंगा धरती पर जार गंगा न्यू कहे मजा नहीं मंडर लग गए। एक दिन गंगे हर्षे बोली अपने मन में घबरा के मृत लोक में पापी बंदे भार चढ़ावे आ आ के, फिर भगवान बोले गंगा जी से सबका दुख मिटो जाके अरे तेरा भी भार उतारेंगे। ये ऋषि महात्मा नहा नहा के क्या भाव है, वो ऐसा जल है उसमें जिस प्रवृत्ति का इंसान स्नान करता है उसके अवशेष उसके साथ जाते हैं। वानियों के महाराज उस मृत लोक में पापी लोग बसते हैं, वे मेरे मन हांगे उनकी प्रवृत्ति मेरे अंदर मिलेगी मैं मैली हो जाऊंगी। तब भगवान ने उसको समझाया नहीं बोला अरे पापी लोग नहांगे पर वे लोग भी तो नहांगे जो दिन रात परमात्मा का भजन में बैठे हुए वे भी तो तेरे मां नहांगे, तेरे स्नान का बड़ा महत्व होगा, हर योगी तेरे अंदर स्नान करेगा उनके अवशेष भी तो तेरे मां मिलेंगे। देखले पापी पापी नहीं नहांगे, पर जब मात्र 5,000 साल इस कलयुग के शेष बचेंगे इतना पाप बढ़ जाएगा, धर्म करने वाला कोई भजन करने वाला कोई बिरला इंसान होगा न पापियों की संख्या बढ़ेगी गंगा का नीर सूख जाएगा गंगा वापस देवलोक चली जाएगी इस धरती में नहीं रहेगी। एक सारा बचेगा स्थान देवता का ग्राम देवता का मारा दादा चिमटेवाला मारा हरिदास मारा सोटेवाला मारा नावटिया मारा गुदड़िया 2,500 साल जब शेष बचेंगे तो इतना पाप रग रग में भर जाएगा इनको भी पृथ्वी छोड़कर देवलोक जाना पड़ेगा तब ये सृष्टि प्रलय की तरफ जाती। न्यारा न्यारा खोल कर दादा ने लिख दिया क्या कह दिया क्या बता सत्रह लाख अट्ठाईस हजार साल सती युग के कितने होए जोड़ लाले जन छिपे उग के छह चकवे पर तापी राजा ये चकवे बहन युग के लगभग 92 से 95 साल पुराना भजन है। उस समय पर दादा ने सारी धरती की जनसंख्या 300 करोड़ बताई थी जो आज वर्तमान में आज तो इंटरनेट का साधन है अनपढ़ आदमी ने 300 करोड़ उस टाइम बताई थी।